10 साल हो गए फिल्म को एंड अंग्रेजी में कहूँ तो द वे इट इंस्पायर्ड द पीपल व्हेन इट वाज रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर देम न्यू जनरेशन आर ज्वाइनिंग विद द फिल्म जो 4 साल की बच्ची थी आज वो 14 साल की है और वो देखती है तो उनका मैसेज मेरे पास है जो 10 साल के थे आज 20 साल के हैं और नया जनरेशन इस फिल्म के साथ जुड़ रहा है आपके साथ एक बहुत स्पेशल न्यूज़ हम बांटना चाहेंगे आज स्पेशल स्क्रीनिंग तो हुई है साथ साथ में ये फिल्म अडेप्ट हुई है ISL में विच इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए फिल्म अडेप्ट हुई है इन द साइन लैंग्वेज एंड अजीत सर इज़ हियर एंड ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रिलीज द फिल्म इन 30 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री ऑन 6th of August सो फिर से जो लोग इस फिल्म को पहले अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे अब वो अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे विच इज़ द ISL लैंग्वेज और बाकी तो हम सब मिले हैं आज सारा कास्टिंग क्रू अंदर है और मतलब कैसा लग रहा है वो बोलना बड़ा मुश्किल है सर व्हेन वी लुक बैक 71 नेशनल अवार्ड फर्स्ट मूवी टू गो बैक इन 100 करोड़ फर्स्ट मूवी व्हेन यू सी बैक टेल अस समथिंग हाउ डू यू फील हाउ प्राउड मोमेंट वाज इट फॉर यू इट इज एन एक्सेप्शनल मूवी टू स्टार्ट विद यू नो आई थिंक द वर्क दैट राकेश हैज डन अजीत डिड प्रसून द राइटर ऑफ द फिल्म शंकर एहसान लॉय द म्यूजिक दैट दे कंपोज्ड all of it came together really, really well. मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे इस फिल्म का मैं एक हिस्सा था और जब मैं सोचता हूँ अपने करियर के बारे में तो ये फिल्म हमेशा एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा ऑन टॉप रहेगी मैं जहाँ भी जाता हूँ दुनिया में अगर कोई एक फिल्म है जिसके बारे में लोग मुझसे बात करते हैं या कहते हैं उन्होंने देखी है वो है भाग मिल्खा भाग तो फॉर एनी पर्सन हु इज़ इन द क्रिएटिव फील्ड एज एन आर्टिस्ट आप चाहते हैं कि मतलब 100 करोड़ तो एक बॉक्स ऑफिस नंबर है लेकिन वो 100 करोड़ दिलों को जो छूती है एक फिल्म उसका मतलब आप अंदाज़ा कुछ लगा ही नहीं सकते जब ऐसी फीलिंग मिलती है जब आप जा भी जाते हैं तो जी ये एक ऐसी फिल्म है भाग मिल्खा भाग जिसे आप चाहें तो भी अपने जहन से नहीं निकाल सकते तो अगर आप कहें कि मैं 10 साल बाद इसे रिविज़िट करी वैसा नहीं है रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये फिल्म आपकी मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है आई हैव टू थैंक हिम हमेशा मेरे जो कई बार मैंने बैरियर्स बना लिए होते हैं हर एक्टर के एक होते हैं कि ये कर सकती हूँ ये नहीं कर सकती ही इज़ ऑलवेज पुश दैट फॉर मी एंड आई थिंक ये जो फिल्म रही है हम सबके लिए एक बहुत खूबसूरत जर्नी रही राइट फ्रॉम व्हेन ही नरेटेड मी द रोल टू वेयर आई सेड कि नॉट श्योर एंड इनका एक बहुत खूबसूरत तरीका है आपको इतना कॉन्फिडेंस देने का कि फिर कोई डाउट रह नहीं जाता है कि मैं करूं कि नहीं एंड आई थिंक दैट्स मोस्ट ऑफ योर बैटल वन व्हेन यू आर रियली एंजॉयिंग डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी आई थिंक इसरी कौर इज़ गोइंग टू बी एक लैंडमार्क फॉर मी जितना प्यार इस फिल्म को मिला जितने एक्सपीरियंस इस फिल्म के हमें हुए हैं चाहे शूटिंग के दौरान चाहे वो पावर ऑफ कॉस्ट्यूम मैंने इनसे सीखा जहाँ मैं एकदम डेनिम्स पहन के बैठ गई थी वहाँ पर एंड ही सेड आप प्लीज़ कॉस्ट्यूम बदल के आइए तो ऐसे नहीं ऐसे ही ठीक है इसने आप बदल के आइए एंड हाउ माई बॉडी लैंग्वेज इंटायरली चेंज्ड आफ्टर आई गॉट इनटू द कैरेक्टर विद द कॉस्ट्यूम दीज सटल थिंग्स मे बी हमें एज एक्टर्स नहीं मालूम पड़ती बट व्हेन यू लुक बैक यू से ओ माई गॉड दैट वॉज मैजिक सो आई एम ग्लैड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच अ कल्ट फिल्म इतनी इंस्पिरेशंस और बहुत कुछ सीखा इस फिल्म से और ऐसी सीख जो शायद आप ताउम्र अपने साथ रखेंगे सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन